हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरटीआई के बारे में कि आरटीआई क्या है और आरटीआई को फाइल कैसे करें। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। इस आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे क्या है, गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होती है, वो अपने दायित्व को अच्छी तरह समझती है और इससे करप्शन कंट्रोल होता है, ठीक है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द आरटीआई एक्ट, कोई भी इंडियन सिटीजन इस इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। यदि आप फर्स्ट टाइम अपील कर रहे हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। इसको जो टाइम लिमिट है, मैक्सिमम टाइम लिमिट है, वो 30 डेज है, ठीक है। यदि 30 डेज के बियॉन्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर मैलिफाइड इंटेंशन से पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है बिना किसी कारण के, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है पीआईओ, उसको 250 रुपये पर डे के हिसाब से या मैक्सिमम 25,000 तक पेनल्टी पड़ सकती है। और जो पेनल्टी है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो पेनल्टी देगा, वो आपकी अपनी सैलरी से देगा, न कि पब्लिक अथॉरिटी के अकाउंट से, ठीक है। जो इसमें एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप आरटीआई नहीं मांग सकते, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, वो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईबी, रॉ, डीआरआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी एटसेट्रा, ठीक है। एक्सेप्ट करप्शन केसेस और ह्यूमन राइट वायोलेशन, ठीक है। यदि करप्शन केसेस और ह्यूमन राइट वायोलेशन के हिसाब से आप, यदि ऐसा कुछ केस आपको नजर आ रहा है तो आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी जो आरटी एप्लीकेशन है वो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वह ये जो एजेंसीज हैं वो देने, वो जरूरी नहीं कि दें आपको, ठीक है। जो चार्ज है आरटीआई का वो 10 रुपये है। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको फ्री ऑफ चार्ज है, देन आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। यदि आपकी इन्फॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो 2 रुपये आपको पर पेपर लिया जाएगा। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे फाइल करें। फ्रेंड्स, आरटीआई फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में rtionline.gov.in राइट करना है। उसके बाद यदि आपकी फ़र्स्ट अपील है तो सबमिट फर्स्ट अपील करेंगे, और यदि आप इससे पहले अपील कर चुके हैं तो फिर सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैं सबमिट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट अपील ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे। सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद आपका कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी जो एप्लीकेशन में करेक्टर्स है वो 3,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपके पेमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं तो आपको पेमेंट देने, फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपकी फर्स्ट अपील है तो आपकी फ़ीस डिपॉजिट, आपकी मतलब जो आरटी है वो फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है। उसके बाद आई हैव अंडरस्टूड एंड अबव गाइडलाइंस सबमिट करेंगे। उसके बाद एक पेज ओपन हो गया जाएगा, तो सबसे पहले आप इसमें पब्लिक अथॉरिटी सर्च करेंगे। जैसे आपको पब्लिक अथॉरिटी नहीं पता कि कहाँ मुझे अपील लगानी है, तो आज की जो हमारी अपील है या आरटीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के है, के लिए जो रिक्वेस्ट जो जाएगी वो पब्लिक अथॉरिटी जाएगी। तो आप यहाँ सर्च पब्लिक अथॉरिटी कर सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में हमें आरटीआई लगाना है, हम ग्राम पंचायत से पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर 1 साल 2 साल 3 साल में उन्होंने कितना काम किया है, ठीक है। तो सेलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करेंगे, फिर पब्लिक अथॉरिटी में पंचायती राज ही रहेगा। ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, 0 डाल देते हैं क्योंकि 10 डिजिट ही एप्लीकेबल है।
कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, ठीक है, जेंडर वेंडर सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस रूलर से हो या अर्बन से, रूलर से, लिटरेट हो इलिटरेट हो, लिटरेट कर सकते हैं, यदि आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, ट्वेल्थ यदि किया है तो ट्वेल्थ, और यदि बिलो ट्वेल्थ है बिलो ट्वेल्थ करेंगे। अगेन फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर डालेंगे, इंडियन सिटीजन ओनली अलाउड फॉर आरटीआई, ठीक है, यदि पॉवर्टी लाइन से आप नीचे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। टेक्स्ट आपको 3000 वर्ड से कम होना चाहिए, और इसमें जो भी लिखना है टेक्स्ट स्पष्ट लिखना है, ठीक है। जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत ने पर्टिकुलर ईयर में रोड और नाली बनाने पे कितना खर्च किया, तो लिख देते हैं फटाफट। हाउ मच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन रोड एंड ड्रेनेज इन विलेज फॉर द ईयर 2021। उसके बाद यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो लगा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एड्रेस अपना जो फिल करना है, एड्रेस जो ऊपर एड्रेस आपने भरा है वही आपका, उसी एड्रेस का आपको ब्यौरा दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा लिख सकते हैं। एंटर सिक्योरिटी कोड डालेंगे 765142। मेक पेमेंट करेंगे, आर यू श्योर, यस, देखो अब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया, बस पेमेंट करना है। अब पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कर लेते हैं, आप पे करोगे आपका 10 रुपीज़ आपका डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपकी आरटीए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपका 1 महीने के अंदर अंदर जवाब आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।